अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ब्रांड मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे, हमारी वीडियो भी बराबर देख रहे होंगे। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी बराबर देख रहे होंगे। VTC उर्दू चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, स्कूलें बंद है, फिर भी हम आप तक पहुँच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, जूम क्लास के ज़रिए, और भी बहुत तरीक़े से हम आप तक पहुँच रहे हैं। आपकी पढ़ाई लगातार जारी है, आपको भी मेहनत करना है और पढ़ाई करते रहना है। चलिए शुरू करते हैं। मराठी सुगम भारती इयत्ता 8वीं, माध्यम उर्दू, विषय मराठी, कक्षा 8वीं, पाठ जो आज हम पढ़ने वाले हैं, पाठ क्रमांक 3, जिकड़े तिकड़े पानीस पानी। ये एक कविता है, अनिमिया है, शिक्षक शम्स तबरेज। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ, जिकड़े तिकड़े पानीस पानी। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये है वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक? तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है, इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है। और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं पाठ क्रमांक 3, जिकड़े तिकड़े पानीस पानी, जिसे लिखा है शंकर वैद्य जी ने। चलिए आगे बढ़ने से पहले इनका परिचय कर लेते हैं। शंकर वैद्य 1928-2014, यानी 1928 में पैदा हुए और 2014 में इनका इंतकाल हो गया। प्रसिद्ध कवि वो कथाकार, ये कवि भी थे और कथाकार भी थे, यानी पोयम भी लिखते थे और कहानियाँ भी लिखते थे। त्यांचे आलाशन गेलाशन हा कथा संग्रह, हाँ ये उनकी कहानियाँ हैं। कालस्वर दर्शन हे कविता संग्रह, ये उनकी कविताएँ हैं। आदित्य रस यात्रा, प्रवासी पक्षी ही महत्वपूर्ण संपादने इत्यादि लेखन प्रसिद्ध आहे। साहित्य क्षेत्रातील योगदानाबद्दल शंकर वैद्य यांना महाराष्ट्र शासन, कोकण मराठी साहित्य परिषद, मास्टर दीनानाथ प्रतिष्ठान पुरस्कार आदि पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले होते। तो ये है कौन? शंकर वैद्य जी, प्रसिद्ध कवि यानी बहुत मशहूर कवि है और कथाकार भी है, यानी कहानियाँ भी लिखे और इन्होंने नज़म भी लिखे। और इनकी आलाशन गेलाशन ये एक कहानियाँ हैं इनकी। कालस्वर दर्शन ये उनकी कविताएं हैं। इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड भी उन्हें मिले हैं। प्रस्तुत कवि ने पावसाळ्यात या दृष्टीमध्ये दिसणाऱ्या बदलत्या दृश्याचे अतिशय मनोहरी शब्दचित्र रेखाटले आहे। प्रस्तुत कविता गीत पुष्पांचा फ्लोरा या संपादित काव्य संग्रहातून घेतला आहे। हाँ, ये कविता कहाँ से ली है? गीत पुष्पांचा फ्लोरा, यहाँ से ये कविता ली गई है। चलिए ये तो था शंकर वैद्य जी का परिचय, बढ़ते अब सीधा हम हमारी कविता की तरफ।
तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम पाठ क्रमांक 3 जिगड़े जिगड़े पानी पानी, जिसे लिखा है शंकर वैद्य जी ने, ये पढ़ने वाले हैं। ऐका वाचा मना। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा और आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे भी और फिर हम इसे समझेंगे। समझ में आ गया? ओके, चलिए। जिगड़े तिकड़े पानिस पानी, जिगड़े तिकड़े पानिस पानी, खड़खड़नारे झरे। जिकड़े तिकड़े पानिस पानी, खड़खड़नारे झरे। झुळझुळणारे गवत पोपटी, झुळझुळणारे गवत पोपटी, लवलवणारे तुरे। जिकड़े तिकड़े पानिस पानी, खड़खड़नारे झरे। झुळझुळणारे गवत पोपटी, लवलवणारे तुरे, लवलवणारे तुरे। पढ़ रहे ना आप लोग? ध्यान से सुनिए और फिर इसे पढ़िए भी, इसके बाद इसे हम क्या करेंगे, समझेंगे। ओके, पहले पढ़ लेते हैं। जिकड़े तिकड़े पानिस पानी, खड़खड़नारे झरे। जिकड़े तिकड़े पानिस पानी, खड़खड़नारे झरे। झुळझुळणारे गवत पोपटी, लवलवणारे तुरे। वेरी गुड। चल बढ़ते आगे अगली पंक्ति की तरफ। नवीलका की झाड़ावर्ती, नवीलका की झाड़ावर्ती, सुखात पाने फुले नाहती। सुखात पाने फुले नाहती, पाउस वारा झेलती जाती, झिरझिरती पाखरे। नवीलका की झाड़ावर्ती, सुखात पाने फुले नाहती, पावसा वारा झोलित जाती, भिरभिरती पाखरे। समझ में आ रहा है आपके? हाँ, आपको क्या करना है, पढ़ना भी है और सुनना भी है। नवीलका की झाड़ावर्ती, नवीलका की झाड़ावर्ती, सुखात पाने फुले नाहती, पाउस वारा झेलित जाती, भिरभिरती पाखरे। पाउस वारा झेलित जाती, भिरभिरती पाखरे। पढ़ते आगे। हासत भिजती मिलसर डोंगर, हासत भिजती मिलसर डोंगर, उड़या त्यातून घेती निर्झर। हासत जिबती निळसर डोंगर, उड़या त्यातुनी घेती निर्झर। उड़या त्यातुनी घेती निर्झर, कड़े कपारी रानो रानी, कड़े कपारी रानो रानी, नाद नाचरा भरे, नाद नाचरा भरे। हासत बिजती मिलसर डोंगर, उड़या त्यातुनी घेती निर्झर, कड़े कपारी रानो रानी, नाद नाचरा भरे। चलिए बढ़ते आगे। मदेज घेता वारा उसड़ी, मदेज घेता वारा उसड़ी, जरी ढगांसी तुटे साखड़ी। मदेज घेता वारा उसड़ी, जरी ढगांची तुटे साखड़ी, हिरव्या रानी ऊन बागड़े, हिरव्या रानी ऊन बागड़े, हरी नापरी गोजरे। मदेज घेता वारा उसड़ी, जरी ढगांची तुटे साखड़ी, हिरव्या रानी ऊन बागड़े, हरी नापरी गोजरे। तो बच्चों, यहाँ पर ये कविता हमारी पढ़ना ख़त्म होती है। बढ़ते हैं आगे और अब इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं एक एक शेर को अलग अलग करके। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए। चलिए बढ़ते आगे और अब इस कविता को हम क्या करते हैं, समझते हैं। जिकड़े तिकड़े पानिस पानी, खड़खड़नारे झरे। जिकड़े तिकड़े पानिस पानी, खड़खड़नारे झरे। झुळझुळणारे गवत पोपटी, लवलवणारे तुरे। जिकड़े तिकड़े पानिस पानी। पाठ क्रमांक
तीन, जिगड़े तिगड़े पानीस पानी, है ना। बारिश के बाद यहाँ पर शंकर वैद्य जी बता रहे हैं कि बारिश के बाद किस तरह होता है, यानी बारिश के बाद चारों तरफ तिकड़े तिकड़े, यानी इधर भी उधर भी पानी पानी, चारों तरफ क्या हो जाता है, पानी ही पानी, पानी ही पानी हो जाता है। जिकड़े तिकड़े पानी पानी, यहाँ भी पानी, वहाँ भी पानी, इधर भी पानी, उधर भी पानी, है ना। घर पर पानी, जमीन पर पानी, सड़क पर पानी, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, यानी पानी ही पानी हो जाता है। खड़ खड़ नारे झरे, है ना, झरने बहते ना, जाते ना आप लोग सैर सपाटा करने के लिए पहाड़ों से, जब पानी गिरता है तो कितना सुहाना लगता है वो, बराबर ना। तो खड़खड़नार यानी जब वहाँ से पानी निकलता है, पहाड़ों से जो पानी निकलता है तो उसकी आवाज़ आती है खड़खड़नारे। हाँ, कितनी आवाज़ वहाँ पर आती है, खड़खड़नारे झरे, यानी जो झरने बहते हैं उनकी आवाज़ आती है खड़खड़नारे झरे। तो बारिश का एक मंजर बता रहे हैं यहाँ पर कवि के, जिकड़े तिकड़े पानी पानी खड़खड़ नारे झरे, जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी होता है और फिर झरने बहते हैं, पहाड़ों से झरने बहते हैं और फिर उसकी आवाज़ आती है खड़खड़ खड़खड़, इस तरह की आवाज़ें वहाँ से आती है, ऐसा कवि बता रहे हैं बारिश का एक मंजर। झुड़ झुड़ नारे गवत पोपटी, झुड़ झुड़ नारे गवत पोपटी, लव लव नारे तुरे। झुड़ झुड़ नारे गवत पोपटी, यानी जो घास होती है ना, बारिश में जो घास उग जाती है तो हवा से कभी इधर होती है, हवा से कभी उधर होती है। झुड़ झुड़ नारे गवत पोपटी, यानी कभी इधर जा रही हवा की वजह से, कभी उधर जा रही है ना, झोंके खा रही है, झूला ले रही है। झुड़ झुड़ नारे गवत पोपटी, लव लव नारे तुरे। और जो उसका ऊपर का हिस्सा होता है, घास के ऊपर का जो हिस्सा होता है, जिसे तुरे कहते हैं मराठी में, लव लव नारे तुरे, वो भी क्या होते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर जाते रहते हैं, आते रहते हैं, बारिश की वजह से हिलते डुलते रहते हैं। एक मंजर यहाँ पर बता रहे हैं, जिकड़े तिकड़े पानीस पानी खड़खड़नारे झरे, यानी जहाँ देखो वहाँ पर पानी पानी होता है और पहाड़ों से जो झरने बहते हैं खड़खड़ करते हैं। झुड़ झुड़ नारे गवत पोपटी, और घास भी हिलती है, उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो भी क्या होता है, हिलते रहता है हवा की वजह से। इस तरह का एक मौसम होता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। जिकड़े तिकड़े पानीस पानी खड़खड़नारे झरे, झुड़ झुड़ नारे गवत पोपटी, लव लव नारे तुरे। हरी जो घास होती है वो भी क्या होती है, हवा की वजह से कभी इधर कभी उधर होती रहती है। तो समझ में आ गया आपके, ओके। दिखड़े दिखड़े पानी पानी खड़खड़ नारे झरे, जोड़ जोड़ नारे गवत पोपटी, लव लव नारे तुरे। बढ़ते हैं आगे, नवी लका की झाड़ा वर्ती, सुखात पानी फुले नहाती, पाउस वारा जेलित जाती, भिर भिरती पाखरे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि, नवी लका की झाड़ाम वर्ती, यानी जब बारिश होती है तो बारिश के बाद जो दरख्त होते हैं, जो टहनियाँ होती है, जो पौधे होते हैं, उनमें क्या होती है, एक नई चमक आ जाती है। जैसे बारिश उस पर गिरती है, एक नई चमक आ जाती है। नवी लका की, लका की मतलब चमक आ जाना, तो झाड़ों के ऊपर, दरख्त के ऊपर क्या होती है, नई चमक आ जाती है ना, बारिश की बूंदें उन पर गिरती है तो एकदम तरोताज़ा वो लगते हैं। आपने सब्जी मार्केट में देखा होगा कि सब्जी पर बार बार वो क्या करते रहते हैं, पानी मारते रहते हैं उसको ताज़ी दिखाने के लिए, ताज़ी बताने के लिए, है ना। उसी तरह जब बारिश होती है, दरख्तों पर जब बारिश गिरती है तो उनमें अलग तरह की एक चमक आ जाती है। सुखत पानी फले नहाती, यानी जो पत्ते होते हैं, जो फूल होते हैं, वो क्या करते हैं, नहाते हैं एकदम आनंदित होकर, एकदम सुख से वो क्या करते हैं, नहाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है उनको। हाँ, समझ रहे ना आप लोग, सुखद पाने फुले नहाते, यानी पत्ते भी नहाते हैं, फूल भी नहाते हैं, उनको बहुत अच्छा उसमें लगता है। नवी लगा कि झाड़ान वर्ती, हाँ, एक नई चमक आ जाती है झाड़ों में, दरख्तों में, पत्तों में, फूलों में क्या होती है, नई चमक आ जाती है और वो मस्त बारिश में क्या करते हैं, नहाते हैं, इंजॉय करते हैं, सुकून लेते हैं, उनको मज़ा आता है। पाउस वारा जेलित जाती, पाउस वारा जेलित जाती, भिर भिरती पाखरे। और पाउस वारा यानी बारिश भी हो रही है, उसके साथ हवा भी चल रही है,
तो ये सब बर्दाश्त करते हुए तितलियाँ और पक्षी क्या करते रहते हैं, उड़ते ही रहते हैं, भिर भिरती पाखरे इधर से उधर जा रहे हैं, है ना। बारिश में कितने परिंदे उड़ते हैं, इतना अच्छा मौसम लगता है, वही मंजर यहाँ पर बता रहे कवि शंकर वैद्य, दिखड़े दिखड़े पानी पानी इस कविता के जरिए। नवी लगा की जाड़ान वर्ती, सुखात पाने फुले नाती, पाउस वारा झेलित जाती, फिर बिरती पाखरे, है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बारिश होती है, बारिश होने के बाद चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, हमने पहले देख लिया। यहाँ पर बता रहे हैं कि झाड़ों में क्या होती है, नई चमक आ जाती है और पत्ते फूल दरख्त सब क्या होते हैं, नहाते हैं, फूल पत्ते दरख्त चारों तरफ क्या हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। और उसमें फिर बारिश होती है, फिर उसके साथ हवा भी चलती है, तो फिर पक्षी भी क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, इधर से उधर फिरते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है, वो बर्दाश्त करते हैं लेकिन फिर भी क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, उनको मज़ा आता है। समझ में आ रहा है आपके, चलिए बढ़ते आगे। हासत भिजती मिड़सर डोंगर, हासत भिजती मिड़सर डोंगर, उड़या त्यातुनी घेती निर्जर, कड़े कपारी रानो रानी नाद नाचरा भरे। हासत भिजती मिड़सर डोंगर, उड़या त्यातुनी घेती निर्जर, कड़े कपारी रानो रानी नाद नाचरा भरे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि शंकर वैद्य जी, हासत भिजती निरसर डोंगर, हासत मतलब हंसते हुए, भिजती मतलब भीगना, निरसर मतलब नीला डोंगर, हाँ तो डोंगर मतलब पहाड़ बराबर ना, तो पहाड़ क्या हो जाते, नीले रहते हैं क्या, नहीं, बल्कि कवि कह रहे हैं कि हासत भिजती निरसर डोंगर, निरसर डोंगर मतलब नीले पहाड़, अभी नीले पहाड़ नहीं होते क्योंकि उसके ऊपर बादल रहते हैं, अबर रहता है और ऐसा लगता है जैसे वो आसमान में ही हैं, इतने नीचे बादल आ जाते हैं बारिश के मौसम में, तो ऐसा लगता है कि वो पहाड़ी क्या हो गया है, नीला हो गया है। तो नीला पहाड़ क्या कर रहा है, हंसते हुए भीग रहा है ना, क्या कह रहे हैं कवि कि हंसते हुए नीला पहाड़ भीग रहा है, उसे भी मज़ा आ रहा है। जैसे पहले हमने देखे कि पत्ते भीग रहे हैं, परिंदे भीग रहे हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है, उड़िया त्यातुनी घेती निर्जर, और उसमें से उड़िया, उड़िया मारना यानी जंप लगाना कूदना, है ना, ऊपर से पानी क्या हो रहा है, निर्जर मतलब झरना, उड़िया त्यातुनी घेती निर्जर, जो नीला पहाड़ जो हंस रहा है, हंसते हुए भीग रहा है और वहाँ से कूदी मारते हुए जंप लगाते हुए निर्जर यानी झरना नीचे आ रहा है। खूबसूरत मंजर यहाँ पर बता रहे हैं कि नीला पहाड़ है, हंसते हुए वो भीग रहा है और भीगते हुए उसमें से एक झरना निकल रहा है जो कूदते हुए पहाड़ों के दरमियान से और दरख्तों के दरमियान से अपनी जगह बनाते हुए पहाड़ों को टकराते हुए पत्थरों से टकरा के हुए फिर उस पे से जंप लगाते हुए फिर वो नीचे आ रहा है। ये एक खूबसूरत मंजर बता रहे हैं, है ना। तो इतना वो खूबसूरत मंजर है, जिगड़े तिगड़े पानी से पानी, हासत भिजती निरसर डोंगर, हंसते हुए वो भीग रहा है, कौन, पहाड़, नीला पहाड़। नीला पहाड़ किस लिए कहा गया उसको, मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि वहां पर बादल होते हैं इसलिए वो नीला दिखाई दे रहा है कवि को। उड़िया त्यातुनी घेती निजर, उसमें से जंप और कुदी लगाते हुए क्या कर रहा है, झरना पानी क्या हो रहा है, टकरा टकरा कर, पत्थरों से टकरा कर, दरख्तों से टकरा कर फिर नीचे आ रहा है। कड़े कपारी रानो रानी नाद नाचरा भरे, यानी कोने कोने में, जंगल में, बाग में, गार्डन में, चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है और नाद नाचरा भरे, यानी सब लोग क्या कर रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चारों तरफ खुशी ही खुशी है, सब लोग हंसते हुए भीग रहे हैं और
खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो नाच रहे हैं, जैसे पहाड़ भीग रहा है और उसमें से झरना निकल रहा है, जंप लगाता हुआ नीचे आ रहा है, कोने कोने में पानी जा रहा है, चारों तरफ पानी पानी है, चारों तरफ क्या है, हरियाली हरियाली। ऐसा लग रहा है पूरा वन रानो रानी, मतलब पूरा जंगल क्या हो रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है और कोने कोने तक पानी पहुंच रहा है, चारों तरफ क्या है, खुशी खुशी है, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं और सब लोग मस्त है। हसद बिजती निरसर डोंगर उड़िया त्यातुनी गेती निर्जर, समझ में आ रहे हैं ना आपके, उड़िया त्यातुनी गेती निर्जर कड़े कपारी रानो रानी नाद नाचरा भरे, यानी चारों तरफ क्या है, सब लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। मदेश घेता वारा उसड़ी जरी ढगांची तुटे साखड़ी, हिरव्या रानी ऊन बागड़े हरिना परी गोजिरे। चलिए समझते हैं इसको। अभी हमने देखा कि किस तरह बारिश होती है, पहाड़ कैसा नीला हो गया है, उसमें से झरना निकल रहा है, कैसे जंप लगाता हुआ नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया, मदेश घेता वारा उसड़ी। अब क्या पे यहाँ पर किसकी एंट्री हो गई है, हवा की। मदेश बीच में ही, घेता वारा उसड़ी यानी फिर बीच में क्या हो जाता है, हवा आ जाती है, हवा चलने लगती है, एकदम खूबसूरत हवा लगती है, इंसान को बहुत अच्छी हवा लगती है और हवा चलने लगती है। मदेश घेता वारा उसड़ी और बीच में एंट्री क्या कौन लेता है, हवा एंट्री बीच में लेती है। जरी ढगांची टूटे साखड़ी, और उस हवा की वजह से क्या होता है, जो बादल होते हैं उनकी जो साखड़ी होती है, यानी उनकी जो चैन होती है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, के पीछे एक बादल होते हैं ना, तो उनको क्या कर देता हो, सकड़ी को, उनकी जो चैन रहती है एक के पीछे एक, वो चैन को हवा तोड़ देती है, क्या कर देती है, तोड़ देती है। यानी जब बादल आए हैं बरस रहे हैं और जब फिर हवा चलती है तो बादल वहाँ से चले जाते हैं, उनकी साखड़ी उन्हें उनकी चैन तोड़ जाती है। तो मदेश घेता वारा उसड़ी यानी फिर बीच में क्या आ जाती है, हवा आ जाती है और हवा की वजह से क्या हो जाते हैं, जो ढग होते हैं, ढगांची मतलब बादलों की, टूटे साखड़ी, साखड़ी मतलब उनकी चैन। तो हवा के आने की वजह से क्या होता है, बादलों की जो साखड़ी होती है, जो चैन होती है, वो हवा तोड़ देती है और बादल क्या हो जाते हैं, वहाँ से धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। हिरव्या रानी, हिरव्या यानी हरा, रानी मतलब जंगल, ऊन बागड़े यानी सूरज की रोशनी या फिर उसकी शुआएँ जो होती है, हरिना परी गोजरी यानी खूबसूरत हिरन। तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद क्या होता है, फिर हवा चलती है, बादल हट जाते हैं, बादल छट जाते हैं, तो फिर हल्की हल्की क्या होती है, धूप निकलती है हरे जंगलों में। तो वो जो धूप निकलती है, जो सूरज की किरणें होती है, कैसे लगती है वो, जैसे हिरन, खूबसूरत हिरन क्या हो रहा है, जंगल में कूद रहा है, कभी इधर जाती है उसकी शुआएँ, उसकी धूप कभी इधर जाती है, कभी रोशनी इधर जाती है, कभी उधर जाती है। तो इस तरह वो इतना खूबसूरत मंजर लगता है जब हवा आती है, बादल छट जाते हैं और उसके बाद जब धूप निकलती है, तो वो धूप सोने जैसी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। और नीचे क्या होता है, हरे हरे जंगल में वो जब धूप निकलती है, तो ऐसा लगता है जैसे खूबसूरत हिरन जो है इधर से उधर क्या कर रही है, कूद रही है, जंप लगा रही है। मदेश घेता वारा उसड़ी जरी ढगांची टूटे साखड़ी, हाँ बीच में जब हवा आ जाती है तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बादलों की साखड़ी चैन टूटे या ना टूटे, हवा तो अपने हिसाब से क्या करती रहती है, चलती रहती है। और उसके बाद जो जंगल में होता है, हिरव्या रानी ऊन बागड़ी हरी ना परी गोजरे, खूबसूरत हिरन तैर रहा है, क्या कर रहा है, खूबसूरत हिरन दौड़ रहा है, कूद रहा है, इस तरह की धूप निकलती है हरे जंगल में, जिसे देखकर बहुत आनंद होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर भी कवि ने एक खूबसूरत मंजर बनाया है कि किस तरह हवा आती है, बादलों को अपने साथ लेके जाती है, और बादल जब हट जाते हैं, बादल जब छट जाते हैं, आसमान जब साफ हो जाता है, तो उसके बाद जब सूरज निकलता है, तो हरा जंगल कितना खूबसूरत लगता है। समझ में आ रहा है बच्चों आपके, वेरी गुड। तो आपको करना क्या है, करना ये है
के इस पोयम में, इस नज़म में जो भी हमें बताया गया है स्टार से लेकर आखिर तक, इतना खूबसूरत मंज़र बताया गया है। अब ये खूबसूरत मंज़र कब तक करेंगे? जब तक हम साफ़ सफाई रखें, है ना, साफ़ सफाई रखें, अपने पर्यावरण का ख्याल रखें, देखभाल करें, है ना। अगर हम देखभाल करेंगे तो बारिश सही से होंगी, बारिश सही से होंगी तो जंगलों को पानी मिलेगा, दरख्तों को पानी मिलेगा, है ना। अगर और अगर बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो उससे भी नुकसान होता है, जैसा कि आप लोग अभी देख ही रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र में चारों तरफ बारिश बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से बहुत सी जानी और माली नुकसान हो गया है। तो ये क्या है, पर्यावरण के खिलाफ हम जाते हैं, है ना, कुदरत के खिलाफ हम काम करते हैं ना। दरख्त काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं, बराबर ना, और जहाँ मर्जी वहाँ पर गंदगी कर रहे हैं, दरियाओं को गंदा कर रहे हैं, जो हमारे समंदर है, समंदरी तट को क्या कर रहे हैं, हम लोग गंदा कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ही ये सब कुछ होता है। हम पर्यावरण से क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुदरत से खेल रहे हैं। कुदरत से खेलना कोई आसान काम नहीं है, तो उसका असर हमें दिखता है। तो उसका असर हमें ये बारिश की वजह से दिख रहा है कि अभी देखो सतारा, सांगली, पूना, चिपलून, कितनी बारिश ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से अभी जानी और माली नुकसान बहुत हो चुका है। ये इसी वजह से होता है। तो हमें करना ये है कि हमें सबसे पहले तो साफ़ सफाई रखना है, जहाँ पर भी हम जा रहे हैं दरख्तों, जंगलों को काटना नहीं है, और नदियों को, तालाबों को, समंदर को गंदा नहीं करना है, किनारे पर उसके कोई गंदगी ना करें। और जहाँ पर भी हम घूमने वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ पर जो भी नियम लिखे हुए हैं उसका हम अच्छे से पालन करें। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। ये कविता आपको क्या करना है, पढ़ना है और इसे याद भी करना है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कविता से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए, वो क्वेश्चन आपको लिखना है और एक फीडबैक फॉर्म है वो भी आपको भरना है, आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहन कर रखिए, और जहाँ तक हो सके साफ़ सफाई रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।